हे गाइस, वेलकम टू क्यूरियस। आज की वीडियो में हम एक ऐसा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिससे आप ना ही अपनी मेमोरीज को फिर से प्लेबैक कर सकते हैं, ब्रेन से मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि ब्लाइंडनेस, मेमोरी लॉस और पैरालिसिस जैसी डिजीज को क्योर भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का नाम है न्यूरालिंक। ये एक तरह का ह्यूमन ब्रेन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, और इसे इन्वेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि 21st सेंचुरी का सबसे क्रांतिकारी इंसान और ओपन AI, SpaceX, SolarCity, टेस्ला, न्यूरालिंक, X.com जैसी एक से एक बढ़कर कंपनी के ओनर एलोन मस्क है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर न्यूरालिंक क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसको कैसे हमारी ब्रेन में इंस्टॉल किया जाएगा और आगे जाके न्यूरालिंक को किस तरह से यूज किया जाएगा एंड इसकी ड्रॉबैक्स क्या हो सकता है। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। न्यूरालिंक एक डिवाइस है जिसको आपकी ब्रेन में एक सर्जरी के बाद इम्प्लांट किया जाएगा, जिससे आप मशीन्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। न्यूरालिंक को इम्प्लांट करने के बाद आपकी ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को स्टडी किया जा सकता है, जिससे कई तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। न्यूरालिंक के साथ एक चिपसेट को ह्यूमन ब्रेन में इंस्टॉल किया जाएगा, जिसका नाम है N1 चिपसेट, जिसकी डायमीटर है 8 mm और जिससे इलेक्ट्रोड्स को एक इंसुलेशन केसिंग में भी रखा गया है। ये N1 चिपसेट को एक रोबोट के द्वारा सर्जिकली ब्रेन में इंस्टॉल किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि ये चिपसेट की वायर्स की थिकनेस ब्रेन की एक न्यूरॉन के बराबर है। कंपेयर करने के लिए मान लीजिए आपका एक हेयर का डायमीटर और उसे डिवाइड कीजिए बाय 10। न्यूरालिंक कंपनी का प्रेसिडेंट मैक्स होडाक का मानना है कि एक ब्रेन में एक से भी ज्यादा न्यूरालिंक इंस्टॉल किया जा सकता है। तो न्यूरालिंक काम कैसे करता है दोस्तों, आप शायद हॉलीवुड मूवी मैट्रिक्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आज ही देखिए, जिसमें नियो यानी कियानू रिव्स मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम को अपनी ब्रेन में अपलोड करता है और विलन के साथ फाइट करता है। न्यूरालिंक से आप मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकते, लेकिन आपके ब्रेन के मदद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करके रिसीव करके मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि अभी सिर्फ स्मार्टफोन, कंप्यूटर जैसी बेसिक्स डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके दिमाग से टाइप भी कर सकते हैं। न्यूरालिंक ठीक उसी तरह काम करेगा जैसे हमारी ब्रेन दूसरी बॉडी पार्ट्स को न्यूरॉन्स के जरिए इन्फॉर्मेशन भेजता है। हमारी ब्रेन में न्यूरॉन्स अपने आप में कनेक्ट होकर एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स नाम की एक केमिकल सिग्नल्स की मदद से अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं। ये रिएक्शन से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसको आप एक इलेक्ट्रोड की मदद से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बताऊंगा देन आपको ओके गूगल और एलेक्सा बोलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये काम आपके लिए न्यूरालिंक करेगा। N1 चिपसेट का काम सिर्फ यही है कि इसके जरिए आप अपनी ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक डेडिकेटेड ऐप है जिसके जरिए डिफरेंट स्किल्स भी सीख सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं न्यूरालिंक की, यह एक ह्यूमन ब्रेन में एक छोटा ड्रिल करके सर्जरी के बाद इंस्टॉल किया जाएगा। यह प्रोसीजर काफी कॉम्प्लेक्स है, इवन ह्यूमन स्किल की पहुंच भी यहां तक नहीं है, इसलिए न्यूरालिंक को स्पेशली डेवलप्ड रोबोट्स के द्वारा प्रिसाइजली इंस्टॉल किया जाएगा। न्यूरालिंक रोबोट्स के द्वारा एक माइक्रोस्कोप और नीडल्स की मदद से ब्रेन में इंसर्ट किया जाएगा। ये नीडल्स इतना छोटा है कि इवन नेकेड आई में आप इसको देख भी नहीं सकते। कंपनी का कहना है कि ब्रेन में लगभग 10,000 इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किया जाएगा। ये सर्जरी के लिए रोबोट को भी इस तरह से डेवलप किया गया है कि सर्जरी के टाइम पे एक भी वेन या आर्टरी को हानि ना पहुंचे। हर एक इलेक्ट्रोड को सभी तरह की ब्लड वेसल को बाईपास करके इंसर्ट किया जाएगा। सर्जरी के बाद ब्रेन में उस जगह को चिपसेट मॉड्यूल के द्वारा कवर अप किया जाएगा। न्यूरालिंक को इंस्टॉल करने के लिए 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद किसी भी तरह का वायर्स या एंटीना दिखाई नहीं देगा। आखिर न्यूरालिंक की यूजेस क्या हो सकता है? कंपनी का कहना है कि इनिशियल फेज में यह हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर फोकस करेगा। न्यूरालिंक की मदद से एक दिव्यांग स्मार्टफोन चला सकता है या एक कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है। एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने भी कहा था कि न्यूरालिंक की मदद से ब्रेन से जुड़ा हुआ सभी प्रॉब्लम्स के हल निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर एक आदमी किसी भी कारण अपनी आईसाइट हरा बैठता है, देन न्यूरालिंक की मदद से ऑप्टिक नर्व को ठीक करके अपनी आईसाइट फिर से पा सकता है। एलन मस्क का कहना है कि न्यूरालिंक की मदद से एक पैरालाइज पर्सन अपनी याददाश्त, स्पीच और मूवमेंट भी फिर से रिस्टोर कर सकता है। एक कंप्लीट अपग्रेडेशन के बाद न्यूरालिंक की मदद से आप फिजिकली किसी से बात ना करते हुए भी अपनी दिमाग से इंटरेक्ट कर सकते हैं।
रिसेंटली कंपनी ने भी कहा है कि न्यूरालिंक को इंस्टॉल करने के बाद आपके कान के पीछे एक हार्डवेयर लगाया जाएगा जिससे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करके म्यूजिक बजा सकते हैं, एक फ़ोन या स्मार्टफोन पे कॉल कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए आप न्यूरालिंक की मदद से किसी की भी दिमाग में क्या चल रहा है जान सकते हैं। इसके भी कई डिमेरिट्स है। नेटफ्लिक्स की ब्लैक मिरर सीरीज तो आपने देखा ही होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर छेड़खानी किया जाएगा तो क्या हो सकता है। हालांकि अभी तक इसको ह्यूमन ब्रेन में टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन चूहा और गधा पे टेस्ट किया गया है। आप जान के हैरान होंगे कि एक बंदर अपने दिमाग से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी डिमेरिट्स जैसे कि अगर ये डिवाइस हमारे दिमाग में इंस्टॉल होकर अगर इंटरनेट से जुड़ा रहेगा देन इसकी क्या गारंटी है कि हैकर्स इसको हैक करके हमारी वैल्यूएबल डाटा चोरी नहीं करेंगे। तीसरी, इस बात को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिला है कि ये डिवाइस हमारे ब्रेन के अंदर कितना दिन तक फंक्शन करेगा, लेकिन मॉस का कहना है कि इसको निकाल के रिप्लेस भी किया जा सकता है, पर कंपनी इसको 10 साल तक ड्यूरेबल बनाने की कोशिश पे है। तो दोस्तों, कैसा लगा न्यूरालिंक के बारे में जान के? अगर आपको अच्छा लगा और इस तरह का दूसरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं देन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। टिल देन कीप वॉचिंग क्यूरियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।